गुड इवनिंग दोस्तों, अभी मैं दिवाली पूजा के लिए तैयार हो रही थी कि सब लोग को पूजा करना है, तो फटाफट से मैं तैयार हो रही थी। राजा बेटा पापा के साथ थोड़ा बाहर गए थे क्योंकि वो साथ में रहते हैं तो मुझे तैयार नहीं होने देते हैं, तो मैंने थोड़ा बाहर भेज दिया था कि इसको बाहर टहला के लाइए। फटाफट से मैं मेकअप कर रही थी, बहुत ही हैवी मेकअप मैं नहीं कर रही थी, मैं बहुत ही लाइट मेकअप कर रही थी। बट हाँ, लिपस्टिक मैं हमेशा डार्क कलर का यूज करती हूँ, वो मेरा फेवरेट है, तो मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई है और यहाँ मैं फटाफट से तैयार हो गई हूँ। और सर पे मैंने पल्ला आज पिनअप कर लिया है ताकि वो सर से गिरे नहीं। फिर किचन में आ गई थी, आधा खाना हम लोगों ने बना लिया था, या देवरानी दी आ गई थी कुकर का ढक्कन लगाने के लिए, और इधर राजा बेटा आ गए थे और गलती से मैंने मेकअप बॉक्स बेड पे ही रख दिया था, तो राजा बेटा उससे खेलने लगे थे। फिर पतिदेव भी फटाफट से तैयार होने के लिए आ गए थे और वो भी नहा के, बहुत नया कपड़ा तो नहीं हम पहनते हैं दिवाली के दिन, तो कोई पुराना कपड़ा ही लेकिन नया ही रहता है, यही पहन लिए। फिर यहाँ सासू माँ पूजा कर रही थी, फिर हम सब लोग बैठ के यहाँ पूजा करने लगे। सब लोग साथ में बैठे थे, राजा बेटा अपनी चाची जी के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं, ये इनकी फेवरेट है क्योंकि ये ज़्यादा यहाँ रहती नहीं है, कभी कभी आती है यहाँ। पूजा अभी फिनिश हुआ ही था कि राजा बेटा लड्डू लेके बैठ गए थे खाने के लिए, और यहाँ प्रियंका जो है दिया लगा रही है, छत पे हम लोग आ गए थे उसको दिया को लगाने के लिए, और हर जगह झालर लगा हुआ था, लाइट लगा हुआ था।